हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उन्नत रसायन विज्ञान सेल ऊर्जा भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। नीति आयोग के उन्नत रसायन विज्ञान सेल ऊर्जा भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज पर एक रिपोर्ट जारी की है। प्रमुख बिंदु, इस कार्यक्रम के तहत लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सीधा निवेश आकर्षित करके कुल 50 गीगावाट आवर्स की उन्नत रासायनिक सेल बैटरी निर्माण सुविधा की स्थापना करने की योजना है। योजना के भाग के रूप में प्रत्येक चयनित ACC बैटरी भंडारण निर्माता को कम से कम 5 गीगावाट आवर्स की निर्माण सुविधा स्थापित करना और 5 सालों के भीतर 60% तक घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा। उन्नत रासायनिक सेल क्या है? उन्नत रासायनिक सेल उन्नत भंडार प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी है, जिसके तहत बिजली को इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है तथा जरूरत पड़ने पर इसे फिर से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। योजना का महत्व, उन्नत रासायनिक सेल की मांग भारत में इस समय आयात के जरिए पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय उन्नति रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम से आयात पर निर्भरता कम होगी, इससे आत्मनिर्भर भारत को भी मदद मिलेगी। ACC बैटरी भंडारण निर्माता का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। चयन के बाद निर्माणक इकाई को 2 वर्ष के भीतर काम चालू करना होगा। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 65 मिलियन से अधिक लोग ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत थे, जिनमें से 50% से अधिक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में कार्यरत थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।